नमस्ते हिंदुस्तान, मैं नवीन मेहता। मैं अपने YouTube चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से जो सर्कुलर इशू हुआ है, ये सर्कुलर इशू हुआ है ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट के अंदर का जो भी टैक्स पेयर्स आते हैं उनका जो है डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये डेट सस्टेंड करने का सर्कुलर नंबर 01/2022 है, मीन्स 22 को, ये 11 जनवरी 2022 को रिलीज हुआ है। इसी को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है या फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का अपडेट्स आप तक पहुँचता रहे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक सर्कुलर नंबर, जैसे बताया सर्कुलर नंबर 01/2022 है, उसके बाद ये 11 जनवरी को रिलीज हुआ है। ये देखिए क्या कहता है, सब्जेक्ट एक्सटेंशन ऑफ टाइमिंग फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड वेरियस रिपोर्ट ऑफ टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020 से 2022, मीन्स असेसमेंट ईयर 2020 से 2022 का जो है अभी जो ऑडिट रिपोर्ट या इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करना है, जो टैक्स पेयर ऑडिट के अंदर आते हैं उसके लिए डेट का एक्सटेंशन हुआ है। अब देखिए डेट का एक्सटेंशन क्या, फर्स्ट नंबर में कहता है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑडिट रिपोर्ट, मींस ऑडिट रिपोर्ट फर्निशिंग करने का ड्यू डेट जो है ये अभी बढ़ा दिया गया। ये जो 15 जनवरी 2022 था, तो अब उसको बढ़ा के तो जो है ना 15 फरवरी 2022 कर दिया गया है। फिर है दूसरे नंबर में है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो है एक ऑडिट रिपोर्ट जो है 15 फरवरी 2022 कर दिया गया है। ये पहले हुआ करता था 31 अक्टूबर 2021 को, इसका जो लास्ट डेट एक्सपायर जो है प्रीवियस ईयर में होता था उसके हिसाब से ये। अब है फिर तीसरा नंबर है ड्यू डेट ऑफ जो है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट। अब सेक्शन 92E के अंतर्गत जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसका रिपोर्ट सबमिट करने का जो डेट था वो 31 जनवरी 2022 था, जो अब उसको बढ़ा के 15 फरवरी 2022 कर दिया गया है। फिर है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिपोर्ट ऑफ इनकम टैक्स, सॉरी इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 2020 से 2021। अब ये जो 15 जनवरी फरवरी किया गया है, जो ऑडिट रिपोर्ट जिसका फाइल करना है वह अंडर सेक्शन जो है फाइल होता है ये तो, सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसका जो है अब रिटर्न फाइल करने का डेट पहले था जो नॉर्मली जो हुआ करता था वो 30 नवंबर 2021 था, लेकिन अब उसको फिर से बढ़ा दिया गया था 15 फरवरी 2022 कर दिया गया था। लेकिन अब फाइनली जो है इसका जो है ना डेट बढ़ा के 15 मार्च 2022 कर दिया गया है। फिर है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 21 22, इसका भी मीन्स जो रिटर्न फाइल करते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का जो रिपोर्ट फाइल करते हैं मीन्स इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का जो रिपोर्ट वो 92E के अंतर्गत जो फाइल करते हैं 92 के अंतर्गत उसका भी डेट बढ़ा के रिटर्न फाइल करने का जो है 15 मार्च 2022 कर दिया गया है। अब इसमें एक्सप्लानेशन है, ये सेक्शन 234A, इसमें जो है कहा गया है इस एक्सप्लेनेशन में कि जिस व्यक्ति का 1 लाख रुपया से एक्सीड करेगा सभी तरह का एडजस्टमेंट के बाद, तो उस व्यक्ति को जो है यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जितना वो लेट करेंगे उसके हिसाब से उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ताकि ये एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन क्लियर
क्या हुआ कि जो है ना क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है कि 1 लाख से एक्सीड करता है अगर वो सब 1 to 6 ऑफ सबसेक्टर 1 ऑफ दैट जो है ना, अगर वो 1 लाख सभी एडजस्टमेंट के बाद 1 लाख उसका पेमेंट अगर एक्सीड करेगा तो उनको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234A। तो फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में यही देखा कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट है अभी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत उनका ऑडिट रिपोर्ट का डेट बढ़ा के 15 फरवरी कर दिया गया है, और जो रिटर्न फाइल करने का जो टैक्स पेयर है वो ऑडिट के अंतर्गत आते हैं उनका जो है रिटर्न फाइलिंग करने का डेट जो है ना 15 मार्च 2022 कर दिया गया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का अपडेट आप तक पहुँचा रहे। थैंक यू। जय हिंद।